तो जी अस्सलाम वालेकुम लाइव फ्रॉम मक्का। तो खैर जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे और जब तक मैं ये अपलोड करूँगा तब तक खैर लाइव तो नहीं रहेगा, लेकिन लाइव फ्रॉम मक्का अस्सलाम वालेकुम। और आज हम लेट सो के उठे थे, अभी 12:30 का टाइम है। और अब आज हमारा प्लान है कि जो हमारी हज वाली बिल्डिंग्स थी उनको एक्सप्लोर करने का। तो हमने करीम बुक करवाई हुई है, तो करीम हमारे पास वेट कर रही है और बस हम निकल रहे हैं। इग्नोर दिस मैस ऑल ओवर राइट हेयर। और ये टीवी, और वी आर ऑल सेट टू गो। अब हम जा रहे हैं भत्ता कुरैश, जो हमारी हज वाली बिल्डिंग्स थी उनके इर्द गिर्द एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि हमने वहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 2 महीने गुजारे। तो लेट्स गो देयर एंड एक्सप्लोर द एरिया, और जो मेमोरीज उस एरिया की हैं। सो वी आर ऑल सेट टू गो। करीम बुक करवाई है, करीम इज़ वेटिंग आउटसाइड और वी आर लेट 4 मिनट्स। मामा का वेट कर रहा हूँ। इधर इधर जो हमारा क्रीम का ड्राइवर था ना, वो पहले किसी गलत लोकेशन पे खड़ा हो गया जाके, फिर मैंने उसको मैसेज किया तो अब वो सही लोकेशन पे आ रहा है जो मैंने पिन की थी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इट्स सो हॉट आउटसाइड और 43-44 टेम्परेचर है। और वी आर गोइंग ऑन आवर पिकअप। मैंने थोड़ा सा होटल से दूर किया था ताकि वो मुझे हमें गाड़ी फाइंड आउट करना आसान हो। हम ये मेन रोड पे आ गए हैं और अपने करीम ड्राइवर का वेट कर रहे हैं। मामा मेरे पीछे आ रही हैं। ये अपनी आ गए, हेयर कम्स ओवर करीम। जब भी हम यहाँ पे आते हैं वी ऑलवेज बुक करीम और ऑनलाइन टैक्सीज, क्योंकि जो दूसरी टैक्सीज हैं वो एक तो आपको बहस बहुत करनी पड़ती है, और दूसरा करीम में आप आराम से लोकेशन डालते हो पिकअप और ड्रॉप, दो लोकेशन डालो और आपने सिर्फ बैठना है और जो फेयर फोन पे आएगा वो आपने दे देना है। खैर दिस यहाँ से हमारे होटल से भत्तापुरा जाम तक का फेयर है ऑलमोस्ट इज़ 25 रियाल्स। तो टैक्सी वाला भी इतने ही लेता है, इसे ज़्यादा भी ले सकता है, लेकिन आपको टैक्सी का ये है कि बताना पड़ेगा, एड्रेस समझाना पड़ेगा इसको, सिर्फ आप लोकेशन डालो एंड यू हैव ऑल सेट टू गो। तो वी आर ऑन आवर वे। तो ये एग्जैक्टली वही रोड है जो हमारे हज वाले होटल की थी, और आई थिंक हमारा होटल ये वाला था क्योंकि मुझे याद है हमारे होटल के सामने एक जिम था, बॉडी मास्टर्स, वो ये जिम रहा और यही बिल्डिंग थी हमारी।
ये हमारा होटल था, ये वाला का नाम है होटल बिन सईद, और ये मेरे दो दोस्त हैं उनका होटल था, द्रीस और आदिल। और इस तरह सारी शॉप्स, और ये वही रोड है। खैर यार, शॉपिंग हियर बाय, स्टॉप हियर, यस स्टॉप हियर, यस स्टॉप। यार हमें इस जगह का टाइम नहीं पता था, यहाँ का टाइम 4 बजे है शाम को और अभी 3:15 हुए हैं। और इसके सामने एक ब्रोच की दुकान है, ये वाली। 15 से 20 मिनट हम यहाँ पे वेट करते हैं जब तक ये ओपन नहीं होती। अगर ये बैठना नहीं है, फिर देखिए जो दुकानें हैं वो एक्सप्लोर करनी है, उधर चले जाते हैं। बैठने से क्या होगा, मैं कुछ खा लूँगा बैठने यार। खैर वो जो वो शॉप थी, डेट वॉज एक्सेप्शनल, मैं आपको वो दिखाऊंगा जाके। देयर वेरी नॉस्टैल्जिक फीलिंग हेयर, क्योंकि 4 साल पहले हम जो हज पे आए थे, ये एरिया इतना क्राउडेड था, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी, और अब ये ऑलमोस्ट खाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक बिल्कुल एक अरबिक एरिया है, यहाँ पे अरबी होते हैं पाकिस्तानी, यहाँ पे ना होटल्स हैं उनके और ना रहते हैं, तो यहाँ पे सारे अरबियों के घर हैं, तो यहाँ पे सिर्फ अरबी मिलेंगे आपको इन दिनों में। मामा इज अमेज्ड बाय दीस येलो कलर्ड टिश्यू पेपर्स। अब हम जा रहे हैं सामने से कुछ खाने के लिए। हाँ ये उधर भी शॉप थी, मक्का टावर में भी थी। खैर हम कुछ वॉल लगी हुई है। अब मैंने एक तरह लास्ट टाइम 4 साल पहले एक सैंडविच ट्राई किया था कैफेटेरिया ब्रोस्टल सऊदी से, तो बहुत अच्छा था, तो अब हम वो ही खाने जा रहे हैं। और अभी 20 मिनट रहते हैं वो शॉप खुलने में, तब तक हम ये खाते हैं तब तक टाइम हो जाएगा। ये सैंडविचेस आर वेरी यम। ये वाला 2 पेप्सी, कोला, कॉस्ट 20 रियाल से थोड़ा सा कम। खाने में हमारे पास है और सैंडविचेस, तो खैर ये हमारे सैंडविचेस हैं। वेरी गुड यार, सो गुड, इतने मज़ेदार इनके सैंडविचेस हैं, बहुत मुझे मज़ा आया। हमने असर की नमाज एक होटल में पढ़ ली है और अब 4 बज गए हैं, तो वी आर गोइंग देयर। सो मच नॉस्टैल्जिक वाइब फ्रॉम दिस रोड, सो मच मेमोरीज हियर। 4 तो बज गए हुए लेकिन अभी तक भी वो शॉप नहीं खुली, और अभी हम बाहर वेट कर रहे हैं। देयर इज अ ह्यूज क्यू, जो वेट लोग कर रहे हैं, और अब ओपन करने लगे। सो मिलते हैं आपसे बाद में शॉपिंग करने के बाद। यहाँ पे इतनी चीजें हैं और हर चीज हमारा का दिल आ गया, हर चीज हमारा दिल कर रहा है, मेरा नहीं दिल कर रहा, मम्मा कह रही है अच्छी अच्छी ये लेती है। अभी फिलहाल हमने सिर्फ अभी एक शेल्फ भी कंप्लीट नहीं हुई, हमने ये ट्रॉली भर ली है, बस मुझे समझ नहीं आ रहा इतना सामान हम लेके जाएंगे कैसे पाकिस्तान वापस, तो हर चीज़ रखी जा रही है हम, लेकिन वी हैव टू कंट्रोल राइट। अभी तक की अपडेट ये है कि हमारी 2 ट्रॉलीज भर ली हैं मामा ने, मामा अभी तक शॉपिंग कर रही हैं, और ये चीज़ें मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई हैं। सो इधर एक अभी ना रास्ते में कैनवस नज़र आई, ये इतनी बड़ी, ये मेरा हाथ है और ये कैनवस है, तो मामा मुझे कहती हैं कि ये भी लेके जाओ, ये भी अच्छी है। जो हाथों में सामान था वो मैं रखा हूँ, दोबारा से मेरे हाथ भर गए हैं। सेल वगैरह हर चीज़ हमने इधर से ले लिया, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इधर से सेल लिए थे वो हमारे 2-3 साल चले हैं, तो रीस्टॉकिंग ऑल ऑफ रीस्टॉकिंग ऑल ऑफ आवर आइटम्स रख दें, ना ऊपर रखे हैं कलर देख लो। खैर मामा अभी तक एक्सप्लोरिंग। यहाँ पे ना खाना खाने के लिए टेबल्स पे ना बिछाते हैं ये प्लास्टिक कवर्स, तो हमने सोचा था कि हमें काफ़ी लेके आएंगे क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, तो आराम से फेंक देते हैं बाद में। तो अभी हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा लें, हमें भी साइजिंग का पता नहीं चल रहा, लेकिन वी हैव टू गेट दीस। हमने काफ़ी ये इकट्ठे कर लिए हैं प्लास्टिक टेबल क्लॉथ टाइप, तो
तो हमने 200 पीस इकट्ठा कर लिए। ले जाने पता नहीं हम कैसे हैं, सारा सामान मैंने इकट्ठा किया है ना। ग्रोसरी में हमारा काम कोई नहीं है तो अब हम निकलते हैं। अभी की कंडीशन ये है, एक ट्रॉली, ये दूसरी ट्रॉली, ये सबकी कंडीशन है हमारी। और मामा कह रही हैं ऊपर चलते हैं, ऊपर जाने लगे हैं। काफी मुश्किल है दोनों ट्रॉलीज मूव करना। बस लेके जा रहा हूँ फिलहाल। अब कर रहे हैं परफ्यूम की शॉपिंग और मेरा नाक बंद हो गया हुआ है स्मेल कर करके। ये बहुत अच्छा है फ्लोरल ब्लेड्स। मैंने अपने लिए लिया शराब, दिस इज वेरी गुड। मैंने और कहा ऊपर से हम चक्कर लगा आए हैं लेकिन हमने ऊपर से कुछ भी नहीं लिया, ऊपर सारे कपड़े वगैरह ही थे। तो नीचे ये ट्रॉलीज भरी पड़ी है हमारी, ये तीन ट्रॉलीज। खैर हमारा भी हाफ बिल हुआ है, हाफ थिंग्स आर हेयर। डेकोरेशन की चीज़ें हैं आज तक, शीशे का सामान है तो केयरफुली पैक कर रहे हैं। आधा सामान हो गया, आधा रह गया। सो दिस इज़ द ऑल द शॉपिंग वी हैव डन। और ये मामा है और हमारा 1000 रियाल लग गया। हमारा आपको पता है 1000 रियाल लग गया। फिलहाल जो सामान अभी ये अपडेट है, जो बैग लेके आए थे बैग में पैक कर रहे हैं, जो इस तरह की सेंसिटिव चीज़ें हैं, ये डेकोरेशन की चीज़ें हैं तो वो अलग पैक कर रहे हैं बैग में। नहीं इसके पास और थे, ये डेकोरेशन की चीज़ में पैक कर रहे हैं, बाकी जो अनब्रेकेबल चीज़ें हैं वो इसमें पैक कर ली हमने। तो ये है और ये रात का वक्त हो गया है। तो सामान वगैरह जो लाए थे उनको शॉपर में लपेट के तो मैंने अपने कुछ सूटकेस में रख लिया है। जो सेंसिटिव सामान था वो डबल डबल पैकिंग डाल के तो रख लिया, बाकी जो अनब्रेकेबल चीज़ें हैं शॉपर में इकट्ठी कर लिया। और इस वक्त शाम के 7 बज गए हैं मगरिब टाइम, और इस वक्त मैं अपने उसी रोड पे फिर रहा हूँ हज वाली जिसमें मेरा होटल था। तो दिस वाज द रोड। ये आदिल और इदरीस मेरे टू फ्रेंड्स, उनका होटल था, ये वाला मेरा होटल। यहाँ से क्रीम करवा रहे हैं सुल्तान तक। सुल्तान इज अरेबिक फास्ट फूड चेन, जैसे अलबैक है, तो वो खाएंगे क्योंकि आई वॉज मिसिंग ईटिंग सुल्तान सो मच। तो खैर सुल्तान खाएंगे और वापस अपने होटल चले जाएंगे और उधर से फिर शाम रात को इंशाल्लाह काबा जाएंगे। ये इसके अंदर बैग, मामा के पास ये सामान और ये मक्का की रोड्स। सो दिस इज द मेन्यू ऑफ सुल्तान। सुपर पोमेग्रेनेट चिकन, इसरा दे कोक, और एक ये वाला, ये करना है कॉम्बो। हाँ एक कोका कोला अलग से, कैश। सो आई हैव गॉट द सुल्तान डिलाइट बर्गर। एक इसका जो डील है वो है 27 रियाल, और एक इसका जो सिंपल बर्गर जो मैंने किया है वो सिंपल बर्गर 24 रियाल का है, और ये इसकी कोक 7-4 रियाल की, तो टोटल बना है 55 रियाल और 2 बर्गर्स। 50 रियाल पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 4000 समथिंग। मुझे सुल्तान का टेस्ट इतना पसंद है ना, लास्ट टाइम हज पे मैंने इसको बहुत खाया और आई लव दिस फास्ट फूड चेन। बिल्कुल अरेबिक है तो आई लव इट। तो ये हमारा सामान है, वो है मामा हैंड वॉश करने के लिए, और यार ओए होए हम बहुत आज थक गए हैं। इट वाज अ गुड टायरिंग डे। तो खाने खा के तो हम क्रीम बुक करवा के हम जाएंगे अपने होटल। इट्स 7:21
और जाते जाते हम 9 बज जाएंगे और आराम से सुकून से फिर रात को जाएंगे हम खाना खाना और बस खाने का वेट कर रहे हैं। वेयर इज आवर ऑर्डर? थैंक यू। ये इनका सिग्नेचर बर्गर है, सुल्तान्स डिलाइट सिग्नेचर। यस, इस किस्म का। और ये इनका फ्राइड बर्गर है। चलें मम्मी, लेट्स स्टार्ट। सुल्तान की जो यूनिकनेस है ना, इनकी फ्राइज इस तरह कटी होती, इस तरह कट होती है। और ये इनका जो बर्गर है, ये शदीद किस्म का जूसी लग रहा है मुझे। This burger is heaven, literally heaven. मेरा सिग्नेचर था मामा का चिकन क्रिस्पी था, हाफ हाफ शेयर करेंगे, हाफ मामा को ये दे दिया, हाफ मामा का मैं खाऊंगा। खैर, ये दूसरा बर्गर की बारी है, चिकन क्रिस्पी बर्गर, और ये भी बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है, लेकिन सिग्नेचर वाला तो नंबर वन था। सुल्तान खाने के बाद हमारा प्लान था कि वापस होटल चले जाएंगे क्योंकि हम काफ़ी थक गए थे, लेकिन चेंज इन प्लान ये है कि अब हम सुल्तान खाने के बाद जा रहे हैं, देयर इज़ अ शॉप कॉल्ड टॉप 10, तो उधर से जा रहे हैं हमारे। सुल्तान के सामने एक बस स्टेशन था, तो मक्का में ट्रांजिट चलती हैं, फ्री बस सर्विस चलती है, तो स्टॉप्स बने हुए, एक ऐप है नेम मक्का ट्रांजिट के नाम से, उसमें आपको सारे रूट्स और सारे डेस्टिनेशन पता चल जाएंगे जहाँ जहाँ बस जाती है। तो हेयर वी आर एट भत्ता गुरैश ट्रेन स्टेशन 219, तो वेटिंग फॉर द बस। हमारा सामान सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो वी हैव मेड इट टू द बस। This is all our stuff. This is the view. भत्ता कुरैश 219 से अल खालिदिया 210 आए हैं और यहाँ से 15 मिनट दूर हुआ है वॉक करके टॉप 10, लेकिन मामा इज़ नॉट विलिंग टू वॉक, तो क्रीम करवाई है, 15 रियाल लेगा तो हमें छोड़ देगा। सो आवर क्रीम ड्राइवर इज हियर, 5169 यही है। Yes, so in our cream on our way to top 10. وجهتك على اليمين. Here comes our destination, top 10. Okay. Just here. We are exploring clothes here, clothes and all the wearing stuff. Shopping again. सारी शॉपिंग हमने आज कर ली यार। ये वाला टॉप 10 की ब्रांच इतनी बड़ी है, पहले हम मदीना में गए टॉप 10 पे गए थे, वो बहुत छोटा है, इसकी 2 stories हैं और दिस इज लाइक सीरियसली ह्यूज। फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, नीचे वाली हमने सारी एक्सप्लोर कर ली है। तो अब बैग फुल ऑफ क्लोथ्स और ऊपर एलिवेटर नहीं था इसलिए उन्होंने बोरी में डाल के दी है। दिस इज टॉप 10, यहाँ पे देख रही। अच्छी है, कंफर्टेबल है, ले लेते हैं। अरे मैं अब इतना थक गया हूँ, मामा इज स्टिल शॉपिंग और मैं ये साइड पे आके बैठ गया हूँ। जो पहना हुआ है अपर कार्डियन कहते हैं इसको, तो मैंने ये भी ले लिया, एक अपने लिए लिया, एक अपने भाई के लिए लिया है। अभी तक हमारी ट्रॉली की ये सूरत हाल है। खैर, आई एम वेरी मच टेम्पटेड फ्रॉम दीज नाइट्स टू आई एम गेटिंग दीज। अब मुझे कलर नहीं समझ आ रहा कि ये वाला लूँ कि ये वाला सुन लूँ। खैर, दोनों अच्छे हैं, लेकिन आई गेट वन ब्लू वाला लेते हैं। ये तो मुझे समझ नहीं आती कौन से लूँ कि ये कि यो, तो आई एम गेटिंग बोथ ऑफ दीज। यार, यहाँ पे इतनी मज़ेदार चीज़ें हैं, मैं इससे बड़ा टेम्प्ट हुआ हूँ
अगेन आई एम टेम्प्टेड, ये वाला सर्टस के साथ शॉर्ट्स। अरे बहुत अच्छा, इसमें डिफरेंट कलर्स हैं। एक्चुअली मेरा जो दिल कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है सब चीज़ें ले लूं, लेकिन इशू जो है हमें वेट का है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान होते तो ऑब्वियसली आई विल गेट ऑल, लेकिन फिलहाल जो वेट है वो थोड़ा सा ही रह गया, लेकिन फिर भी हम ओवर वेट होके जाएंगे अल्लाह ना करे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिरते फिरते हम कपड़े देख रहे थे, हमें एक बहुत बड़ी पैंट मिली है, एंड दिस इज प्राउडली मेड इन पाकिस्तान। खैर हमें पाकिस्तान में इस तरह के बड़े साइज नहीं मिलते, ऑल दो इधर पड़े हुए हैं, जो आए पाकिस्तान से होंगे। दैट्स स्ट्रेंज। दिस इज द अपडेट, अब हम बस निकल रहे हैं। हमने यहाँ पे बैठ के अपनी शॉपिंग का ऑडिट किया, दैट इज अबाउट 750 रियाल। जो और मामा अभी भी कह रही है एक राउंड और लगा लेते हैं, एंड आई एम लाइक नहीं, हमने सब कुछ ले लिया जो हमें अच्छा लगा है, तो दोबारा लगाने का फायदा नहीं। वी आर डन शॉपिंग, अब हमने क्रीम करवाई है बैक टू होटल, और क्रीम का वेट कर रहे हैं। यार हमारे पास इतना सामान हो गया है, एक दो तीन फुल हाथी साइज के शॉपर है, दो शॉपर ये हैं, चार पांच इसके अंदर पड़े हैं, और ये एक मामा के आदमी है, तो फुल। दिस इज आवर कार, दिस इज आवर क्रीम कार। वी आर गोइंग बैक टू अवर होटल, दिस इज आवर क्रीम कार टुडे। ये मज़दा 6 है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू टुमारो, लव यू।